जो इल्जाम आपने मुझ पर लगाया वैसा तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ आपने सब कुछ किया। मुझसे लाख गुना अच्छी है मेरी सिद्धि, मतलब मेरी रिचा। हाँ, जिसे लाख गुना पैसे मिलते हैं ना उसे सारी लड़कियां अच्छी लगती। वैसे कहते हैं कि झूठ बोलते वक्त जुबान लड़खड़ाती, लेकिन आपके तो हाथ भी लड़खड़ाए, इसलिए ना आपको सीधे बात करने आती और ना ही सीधे बटन लगाने आते। अपने वाइफ से कहना आपकी आदत सुधारने के लिए। वो क्या है ना, अक्सर गुस्से में आप उल्टे सुलटे बटन लगाते हैं। लाइए मैं लगा देती हूँ। रहने दो। मेरी वाइफ कर लेगी या मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसी बातें तो शर्ट भी उसी से साफ करवाती, मुझे क्यों अपने करीब आने दी। ये मैंने क्या किया, ना चाहते हुए भी उन्हें गुस्सा दिलाकर रिचा के पास भेज दिया। सिद्धि, तुम अब तक सोई नहीं? सोने ही जा रही थी, पर पता नहीं अब नींद आएगी या नहीं। नींद तो शायद मुझे भी नहीं आएगी, लेकिन कब तक? पता नहीं इतनी रात को कहां चला गया है कुनाल, ये अभी तक आया क्यों नहीं? कुनाल कहां रह गई थी तुम? अच्छा, तुम यहां क्या कर रही हो? घर गई नहीं अभी तक? गई थी कुनाल, लेकिन फिर वापस आ गई, पता नहीं क्यों, लेकिन घर में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए तुम्हारे पास चली आई। कुनाल एक दिन तो क्या, मैं अब एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। कुनाल मुझे तुम्हारा जवाब अभी चाहिए। आई नो आई एम बीइंग इंपेशेंट, लेकिन मैं क्या करूं कुनाल, अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मेरी रात नहीं गुजरेगी, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। कुनाल प्लीज, कुनाल मुझे बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। Kunal, please tell me, will you marry me or not? क्या है तुम्हारा जवाब? मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम मुझसे, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना कुनाल? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। जब सिद्धि जिंदगी में आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता? शादी करूंगा, वो भी तुमसे। कुनाल,
कुणाल, तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस. तुम अब सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे. मैंने राज से कहा था, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे. मैंने कहा था उनसे, रिचा, रिचा, are you okay? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारे लिए पानी लेकर आना. आपने रिचा से शादी पैसे के लिए, बेटे के जाने के बाद डीके ठकराल का जो कुछ भी है, कुछ भी सब कुछ उसके बेटी और दामाद का. तो वैसे आपको एक सवाल भी पूछना है. ये दामाद घर जमाए कब बनने वाले? प्लीज रिचा, मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूं. मुझसे बात करने का तुम्हारा मूड होता ही कब है कुना? एक मैं ही हूं जो वक्त बेवक्त तुम्हारे पास चली आती हूं. बंद करो ये तमाशा. तुम मेरी पत्नी नहीं हो. नहीं हूं गुना, लेकिन बहुत जल्द बन जाऊं, क्योंकि हक जताना तो तुमने अभी से शुरू कर दिया है. मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे वही चीजें अच्छी लगती हैं जिन्हें हासिल करने में बहुत मुश्किल है. अब तुम इसे मेरा प्यार कहो या मेरी जिद, शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगी, क्योंकि तुम जितना मुझे इग्नोर करोगे तुम्हारे लिए मेरी तड़प उतनी ही बढ़ती जाएगी. मैं ये भी जानती हूँ कुणाल कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो. तुम्हें अच्छा लगता है मुझे यूं तड़पते हुए देखना, बिकॉज इट शोज यू दैट हाउ मच आई लव यू. और तुम्हारा जवाब भी मैं जानती हूँ कुणाल, बस देखना चाहती हूँ कि तुम उसे कहते कैसे हो, क्योंकि जो फैसला तुम्हारे आनंद से जुड़ा है उसे तो तुम भी यादगार बनाना चाहो. जस्ट वन मोमेंट, देन यू विल बी माइन फॉरएवर. वैसे सरप्राइज मुझे पता है. एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, पता कैसे नहीं होगा? वैसे अभय जी आप मुझे बताएं ना बताएं मेरी हाथ से
बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो फिर आप मान क्यों नहीं लेते? आप आज भी मुझसे प्यार कर प्यार कर प्यार कर अब हे के हे के पछताएगा बेचारा बेचारा, जैसे मैं पछताया था मैं क्यों उन्हें नहीं भूल पाती? वो मेरे सामने हो या नहीं, क्यों हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रहती? वो शादीशुदा है, मुझे उनका ख्याल भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। मैं उन्हें याद नहीं करूंगी, उनकी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखूंगी जो मुझे उनकी याद दिला। दरवाजा खुला था, तुम तो सोए नहीं। ओके सिद्दीप, मैं तुमसे कुछ वो हमें मैं नीचे पानी लेने जा रहा था, पानी खत्म हो गया, आपको कुछ चाहिए? ओके गुड नाइट, दरवाजा बंद कर देना। पानी पीने जा रहा हूं या पानी पीने जा रहा था तो फिर मैं सिद्दी को क्यों देख रहा था? मां ठीक कह रही थी, मेरे दिल में कुछ और होता है और मैं कुछ और कहता हूं। आज का दिन शुभ था पर शायद मेरे लिए नहीं, लेकिन कल सुबह होते ही मैं सिद्दी से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा, खुद पता करूंगा कि वो हमारे रिश्ते को लेकर क्या सोचती है। रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? बस सोना ही चाह रहे। सो रहे थे या सोने की कोशिश कर रहे थे? जब दिमाग में इतनी सारी बातें हो और जो परेशान कर रही हो तो फिर नींद कैसे आएगी? क्या सोच रहे थे कुणाल भैया? कुछ नहीं, आनंद की याद आ रही थी, ऋचा के बारे में सोच रहे थे या फिर सिद्धि के बारे में सोच रहे थे? मैं सिद्धि के बारे में क्यों सोचूं? क्या लगती है मेरी? और वैसे भी उसकी अभी के साथ शादी होने वाली है। क्या सिद्धि शादी? आपसे किसने कहा? मैंने खुद अपने कानों से सुना। पर सिद्धि, सिद्धि ऐसा कैसे कर सकती है? जो फैसला मैं 9 सालों में नहीं ले सका
इतने जेल से निकलते ही ले लिया। बेवकूफ तो मैं था, अतीत ने जेल, शायद मुझे भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कहीं आप ऋचा के बारे में तो नहीं बात कर रहे ना? प्लीज भाई, आपका दूसरी शादी करने का फैसला सही हो, पर ऋचा नहीं भैया, आप उन लोगों में से नहीं जो पुरानी यादों और पुराने रिश्तों को इतनी आसानी से भूलकर आगे बढ़ सकते। सीमा, तुमने ये बात तो सिद्धि के बारे में भी कही, वो आगे बढ़ गई, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ूं? जब वो अभी से शादी कर सकती है तो मैं रिचा से शादी क्यों नहीं कर सकता? आपको कहीं इस बात की तकलीफ या जलन तो नहीं हो रही कि आपकी सिद्धि किसी और की हो रही? मुझे जलन क्यों होगी? सिद्धि की लाइफ है, वो जो करना चाहती है करें, मुझे इससे क्या? सीमा, मैं थोड़ा थक गया हूं, कल बात करें। क्या ये सच है कि मैं जेलस फील कर रहा हूं? सिद्धि ने कहा, सीमा ने कहा, नहीं, अगर जेलस हूं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप क्यों लेके आए घर के सारे सर्वेंट का? आज छुट्टी पे। आप अच्छा, तो फिर आप बैठिए, मैं सर्वेंट। अरे प्लीज प्लीज, आप आराम से बैठिए, आप आराम से, मैं हूँ ना। अरे हाँ, माना कि मैं खाना वाना नहीं जानता, लेकिन हाँ, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, लोगों का ख्याल रखना मुझे अच्छी तरह आता है। मैंने इतने सारे होटल ऐसे नहीं बनाए। बात कुछ और ही है, वरना होटल का मालिक यू वेटर बन के नहीं आता, है ना सिद्धि? हाँ बिल्कुल, बात तो कुछ खास है, बताइए ना क्या बात है? हाँ, बात तो कुछ खास है और खास नहीं भी। मतलब पहले मुझे सिद्धि ये बताओ कि दिन खास कैसे होता है? वही सुबह होती है, वही सूरज, वही धूप, वही हवा, वही डेली रूटीन, तो हमें पता कैसे चलता है कि दिन खास है? ये सब चीजों से थोड़ी ना दिन खास होता है। दिन खास होता है आपकी एक बात से, वो बात जिसे कहने वाले को और सुनने वाले को खुशी मिलती है। और वही एक बात आपका दिन खास बनाती है। और ऐसी बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए जो तुम में नहीं है। एक काम करो, वो सोप पियो, शायद थोड़ी हिम्मत आ जाए। एक्सक्यूज मी, सिद्धि, तुम इतना कुछ जानती हो तो ये बात तो जानती होगी, तुम्हारी लाइफ में प्यार के क्या मायने? मेरे लिए प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं, प्यार जिसे महसूस किया जाता है बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी। वैसे प्यार के बारे में तुम्हारा ख्याल बहुत ही प्यार है, लेकिन सिद्धि, शादी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? एक ऐसा रिश्ता जिसे आप अपने लिए नहीं चुनते,
बल्कि ऊपर वाला आपके लिए चुनता है। जिसमें बनकर जीने की आजादी मिलती है, जिसमें बनने के बाद आपको जिंदगी का सही मकसद और सही मायना पता चलता है। एग्जैक्टली, मेरे भी यही सोच है। सिद्धि, अगर लाइफ तुम्हें एक मौका दे आगे बढ़ने का तो? अगर जिंदगी में मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन कभी तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं तुमसे ये बात कह सकता हूं। सिद्धि, दीपिका के जाने के बाद मैं अकेला रहा। अकेले ही मैंने आनंद की परवरिश की, कभी किसी की कमी महसूस नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो कमी मेरी जरूरत बन गई है। सिद्धि, क्या तुम मुझसे? मॉर्निंग। वो मैं कल पेपर लेना भूल गया था, और आज सबमिट करने हैं, तो मैंने सोचा कि ऑफिस जाते जाते पिक कर लूं। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, कुणाल बैठो। अब मैं चाय लेकर आती हूँ। लगता मैं गलत टाइम पे आ गया, मुझे फोन करके आना चाहिए था। हाँ कुणाल, तुम गलत वक्त पे आ गए हो, कल भी और आज। बड़ी मुश्किल से मैंने बात करने की हिम्मत जुटाई थी, पर तुमने सब। हाँ कुणाल, तुम्हें फोन करके आना चाहिए।